तो हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रिया पातो। तो गाइस, आज का जो वीडियो होने वाली है, कोई मेकअप का वीडियो नहीं करूँगी, क्योंकि मेकअप कर करके मेरा फेस का थोड़ी बहुत जो हालत है ख़राब हो गई है एंड पिंपल वगैरह भी निकला है। तो मैं इसलिए कोई मेकअप का वीडियो नहीं करूँगी, लेकिन मेकअप से रिलेटेड ही वीडियो करूँगी। तो वह है मेरा आई शेडो जो कलेक्शन है, मेरे पास जो आई शेडो कलेक्शन है वही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो पूरा एंड तक देखना। तो चलो, तो गाइस, मेरे पास जितना आई शेडो बॉक्स है, मतलब मैं बहुत ही इकट्ठा कर करके पैसा इकट्ठा करके ख़रीदा हूँ। एंड बहुत ज़्यादा नहीं है मेरे पास, लेकिन जितना है उतना मेरे लिए मतलब बहुत है। मेरे पास मुझे लगता है इतना ही काफ़ी है। तो इसलिए चलो मैं शेयर करती हूँ मेरा आई शेडो कलेक्शन। सबसे पहले ये छोटू सा एक आई शेडो बॉक्स है, एंड ये मैंने लोकल मार्केट से लिया था। एंड मैं जब मेरा एज कितना 17-18 साल था, हाँ, जब मेरा 17 साल था एज, तब मैंने इसे लिया था। एंड इसके कलर बहुत ही अच्छा है एंड इसका पिगमेंटेशन भी बहुत अच्छा है। एंड गाइस, ये ब्लैक मिल जाता है इसके साथ, एंड उसके बाद ये ब्राउन सा शेड मिलता है, एंड ये साइड में सब सिमरी सा शेड है। एंड गाइस, इसका पिगमेंटेशन भी आपको दिखा देती हूँ। एंड गाइस, आप लोगों को दिखाई दे रहा है इसका कलर? गाइस आप देखो, बहुत ही सुंदर है इसका पिगमेंटेशन, तो आप लोग देख ही सकते हो। देखो, हम दिखाती हूँ आपको, मतलब इसका सिमरी जो कलर है ना, काफ़ी काफ़ी अच्छा है। एंड गाइस, मैं जब मतलब छोटी थी, मेरे पास आई शेडो बॉक्स नहीं थी, तो मैं ये सभी कलर लगा लेती हूँ, एंड आईज पे तब उतना पता भी नहीं था। तो गाइस देखो, इसका कलर, सिमरी कलर काफ़ी अच्छा है। यह मेरा फर्स्ट आई शेडो बॉक्स हो गया। एंड इससे पहले जब और भी छोटी थी, तो वो छोटा छोटा जो बॉक्स मिलता था वो था, लेकिन अभी नहीं है, तो इसको ही रखा था। तो ये वाला मेरा फर्स्ट आई शेडो बॉक्स है। एंड उसके बाद मैं शेयर करती हूँ जब मैं मेकअप स्टार्ट किया, लेकिन मैं मेकअप स्टार्ट किया, मैं प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ, क्योंकि मैं जो पार्लर का काम सीखा था उससे ही थोड़ा बहुत जो मेकअप सीखा था उससे ही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। एंड पार्लर में सिर्फ मेकअप नहीं, मेकअप के लिए अलग से कोर्स लेना पड़ता है, पर कहीं कहीं पार्लर में मेकअप का भी कोर्स सिखाता है, लेकिन मेरे पार्लर में मतलब हेयर कटिंग, आईब्रो, फेसियल ये सब सिखाता है, एंड मेकअप भी सिखाया। तो जितना सिखाया उससे ही मैं थोड़ा बहुत मेकअप कर लेती हूँ। एंड आई होप आप लोगों को पसंद आता होगा। तो चलो, मैं ज़्यादा बातें बकबक नहीं करके, चलो मेरा दूसरा आई शेडो कलेक्शन शेयर करती हूँ। चलो, सिफुरा के आई शेडो पैलेट, एंड ये आई शेडो पैलेट काफ़ी अच्छा है गाइस, काफ़ी अच्छा है। एंड इसका लिंक मैं नहीं दे सकती, क्योंकि ये मैं मार्केट से ख़रीदा था। तो इसका भी जो कलर है ज़्यादातर मैट ही है, इसका सिमरी नहीं है, एंड एक दो कलर सिमरी है, लेकिन ये सब कलर जो सिमरी कलर है ना, बहुत ज़्यादा सिमरी नहीं है। जैसे इसका ये वाला सिमरी है, लेकिन बहुत ज़्यादा सिमरी नहीं है, आपको दिखाती हूँ। तो गाइस आप देखो, ये कलर एक सिमरी, एंड मेरा थोड़ी सी स्पेलिंग गड़बड़ हो जाती है, एडजस्ट कर लेना। देखा, उतना मतलब सिमरी नहीं है, मतलब ग्लेज टाइप की नहीं है। एंड इसका जो मैट है, मैट काफ़ी अच्छा है, तो मैं आपको साथ ये वाला रेड वाला जो मैट है शेयर करती हूँ। एंड देखा, मैट भी काफ़ी अच्छा है। उफ, गड़बड़ कर देती है ये मुर्गा भी, तो छोड़ो, हटाओ। ये काफ़ी अच्छा आई शेडो पैलेट है गाइस, लेकिन मुझे ये सबसे काम चल जाता है, एंड काफ़ी अच्छा इसके साथ कलर भरा हुआ रहता है। एंड आप इससे आईब्रो भी ड्रॉ कर सकते हो एंड कंटूर भी कर सकते हो, जैसे मैं बताती हूँ मेकअप ब्रश से एंड मेकअप पैलेट से, सॉरी मेकअप पैलेट नहीं, या आई शेडो पैलेट से आप मेकअप भी कर सकते हो, मतलब कंटूर वगैरह कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छा पैलेट है। एंड तो वो था सबसे पहले छोटा सा, एंड उसके बाद मैंने ये ख़रीदा था जब मैं पार्लर के काम सीखते थे, ठीक है। तो गाइस, ये वाला आई शेडो पैलेट भी मेरे पास काफ़ी अच्छा लगता है, एंड मेरा बहुत ही अच्छा लगता है, एंड इसका पिगमेंटेशन भी काफ़ी अच्छा है गाइस। एंड जब भी आप कोई भी आई शेडो अप्लाई करो अपने आईज़ के ऊपर, सबसे पहले आपको आईज़ को आई प्राइमर या कंसीलिंग कर लेनी चाहिए, तब भी कोई भी आई शेडो हो, कितना भी मतलब प्राइस की हो जाए, कितना भी हाई क्वालिटी की हो जाए, क्यों ना, क्योंकि आईज़ के ऊपर आप अप्लाई करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको कंसीलिंग करना है, एंड उसके बाद उसे पाउडर से सेट करना है, एंड उसके बाद ही आपको आई शेडो अप्लाई करना है, तब भी कोई सी भी कलर अच्छे से आपके आईज़ के ऊपर ब्लेंडिंग होगी, एंड आई शेडो की कलर भी उभर के आएगा। तो ये हो गया मेरा सेकेंड आई शेडो, ठीक है। एंड उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ मेरा थर्ड। तो गाइज, ये थर्ड
थर्ड है मिस गोल्ड की पैलेट एंड 48 कलर मिलते हैं इसके साथ, सब कलर इसमें सिमरी है एंड काफ़ी अच्छा पैलेट है गाइस, तो आप लोग देख ही सकते हो काफ़ी अच्छा एंड बहुत हर तरीके का, मतलब हर तरीके का आपको इसके साथ सिमरी कलर मिल जाएगा, हर तरीके का कलर आप जो जो लेना चाहते हो एंड काफ़ी अच्छा, काफ़ी अच्छा आई शैडो पैलेट है एंड आप मतलब कोई भी कलर की ड्रेस कैरी कर रहे हो तो उसके साथ कुछ ना कुछ कलर आपके साथ चला जाएगा, लेकिन सिमरी कलर हर वक्त हम आइज़ के ऊपर नहीं लगा सकते तो इसलिए साड़ी वगैरह के ओकेशन पे भी ठीक है, लेकिन इसका पिगमेंटेशन भी काफ़ी अच्छा है एंड गाइस इसे भी मैं मार्केट से लिया था, इसका लिंक मैं नहीं दे सकती एंड आपको चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, फ्लिपकार्ट या अमेजोन से आप मंगवा सकते हो एंड काफ़ी अच्छा अच्छा आईशैडो पैलेट है। तो चलो इसका पिगमेंटेशन हम दिखा देती हूँ, ये येलो सा कलर का पिगमेंटेशन आपको दिखाती हूँ, देखा काफ़ी अच्छा है लेकिन गोल्डन गोल्डन लग रहा है, गोल्डन नहीं है एंड उसके बाद ये रेड कलर का दिखा देती हूँ, रेड सी मड़ी कलर। तो गाइस देखा काफ़ी अच्छा है, तो गाइस बाहर की आवाज़ को थोड़ा इग्नोर करो क्योंकि बाहर में काम चल रहा है, लेकिन आप लोगों के साथ मुझे वीडियो भी बनाना है तो इसलिए प्लीज़ एडजस्ट कर लेना एंड ये हो गया मेरा थर्ड आई शैडो कलेक्शन। तो उसके बाद मेरे पास है दो आई शैडो बॉक्स, तो गाइस जो मैंने रिसेंटली लिए थे यूट्यूब स्टार्ट करने के लिए दो आई शैडो बॉक्स एंड काफ़ी कम प्राइस में मुझे पड़ा था, तो 600 के आसपास पड़ गया था मुझे, तो उसका भी आई शैडो एंड उसका ब्यूटी गैलेज की पैलेट एंड हुदा ब्यूटी की जो पैलेट है उसका भी वीडियो मैंने चैनल पर छोड़ा है, तो नहीं देखा तो जल्दी जाके देख लो एंड उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी एंड उसका भी छोड़ो हटाओ एंड उसका भी रिव्यू मैं दिया हूँ, काफ़ी अच्छा है एंड अभी भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि वो आई शैडो पैलेट कैसा है। देखो उसके बाद नेक्स्ट, सो गाइस ये हो गया ब्यूटी गैलेज की कलर बोर्ड जो काफ़ी अच्छा है गाइस, काफ़ी अच्छा है ये वाला आई शैडो पैलेट एंड मैं इसे फ्लिपकार्ट से लिया था जो काफ़ी अच्छा था, काफ़ी मतलब 600 रुपए में इतना अच्छा मिलेगा मुझे पता नहीं था, मैं तो सोच रहे थे कैसा आएगा कैसा नहीं, लेकिन काफ़ी अच्छा है, मैंने भी इसे बहुत बार यूज़ की हूँ तो आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं YouTube जब स्टार्ट की थी तभी मैं मंगवाया था इस आई शैडो पैलेट, मतलब मेरे पास ये दो था छोटा वाला हटाओ, तो इस दो में सोचा इससे थोड़ी सी और भी कलर चाहिए मुझे जो इसके अंदर नहीं है, तो इसलिए मैंने ये कलर बोर्ड का मंगवाया। तो चलो इसको दिखाती हूँ, सबसे पहले आपको मिल जाता है ग्रीन कलर की सेट, मतलब सिमरी मिलते हैं, मैट मिलते हैं, ग्लिटरी मिलते हैं जो काफ़ी अच्छा है एंड इसका जो मैट कलर है आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, मैट कलर जो है इसका काफ़ी अच्छा है। तो गाइस देखो मैट कलर भी, जस्ट देखो मैट कलर भी कितना अच्छे से आ गया ना एक बारी में एंड इसका ग्लिटरी भी काफ़ी अच्छा है, तो गाइस देखो आप ग्लिटरी काफ़ी अच्छा है ना ग्लिटरी एंड इसका जो सिमरी है सिमरी भी काफ़ी अच्छा है गाइस, देखो अच्छा है ना, काफ़ी अच्छा है एंड गाइज ये आई शैडो पैलेट मुझे काफ़ी पसंद आता था, मैं बहुत बार इसे देखती थी एंड काफ़ी अच्छा लगता है एंड ये हो गया ग्रीन की बाड़ी एंड उसके बाद आती है ये ऑरेंज, दिखाई दे रहा है ये ऑरेंज, इसके साथ ऑरेंज के साथ हर तरीके का ऑरेंज मिल जाता है, येलो मिल जाता है एंड सिमरी भी मिलते हैं एंड एक ऑरेंज ग्लिटरी भी मिलते हैं, रेड भी मिलते हैं, तो काफ़ी अच्छा आई शैडो पैलेट है गाइज एंड इसका पिगमेंटेशन भी काफ़ी अच्छा है गाइज, तो आई होप आपको समझ आ रहा है मैं क्योंकि मैं यूज़ की हूँ तब भी इसके बारे में फिर से बोल रही हूँ, काफ़ी अच्छा है एंड उसके बाद मिल जाता है ये स्काई कलर की, जो ब्लू स्काई मिला कर जो कलर है, मैट सिमरी हर तरीके का कलर मिलता है जो मेरे पास चाहिए था, मतलब यूट्यूब स्टार्ट किया था तो मुझे लगता था थोड़ा बहुत और भी आई शैडो कलेक्शन हो जाए तो अच्छा है, लेकिन गाइस मैं बहुत ही मतलब थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके ये वाला सब आई शैडो पैलेट खरीदी हूँ तो इसलिए मेरे पास काफ़ी है ये आई शैडो पैलेट एंड बहुत ही लगता है मुझे एंड उसके बाद ये पिंक सा सेट का एक आ जाता है एंड इसे भी मैं काफ़ी बार यूज़ की हूँ एंड इसका भी ग्लिटरी कलर बहुत अच्छा है, पर्पल पिंक का एक कॉम्बिनेशन मिलता है एंड ब्राउन सा भी कलर दिया हुआ रहता है, जिसके पास कंटूर वगैरह नहीं है तो ब्राउन कलर से कंटूर कर सकते हैं, लेकिन मैं तो ब्राउन कलर से ही कंटूर करती हूँ क्योंकि मुझे क्या लगता है ना कंटूर से ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे पाउडर कंटूरिंग एंड मेरे पास कोई कंटूर नहीं है तो मैं आई शैडो पैलेट से ही काम चलाती हूँ। तो गाइस ये वाला आई शैडो पैलेट भी काफ़ी अच्छा है काफ़ी एंड आप लोगों के साथ फिर से दिखा देती हूँ ये पर्पल कलर की जो शेड है, एक मिल गया, उसके बाद ये ग्रीन कलर की मिल गया दो एंड उसके बाद पकड़ने में भी मुझे दिक्कत हो रहा है, ये ऑरेंज सा मिल गया एंड थर्ड है ये स्काई कलर की, मतलब काफ़ी अच्छा पैलेट है ना एंड इसका जो फिनिशिंग भी है काफ़ी अच्छा है क्योंकि एक खुल जाएगा, दो खुल गया, तीन खुल गया, मतलब इसका बॉक्स भी काफ़ी प्यारा एंड क्यूटी है। सो गाइस इसका भी मैंने बोल दिया ये कितना अच्छा है कितना बुरा है, ये मैंने फ्लिपकार्ट से लिया वो भी बोल दिया, इसके साथ जो फ्री दिया था उसे भी अभी दिखाऊंगी, रुक जा। एंड थर्ड आती है हुदा ब्यूटी की न्यूट पैलेट, अब दिखाई दे रहा है
हुदा ब्यूटी की न्यू पैलेट, ये तो ओरिजिनल नहीं है लेकिन मुझे ये मुफ्त में मिला था, मतलब मुफ्त में नहीं, पैसा दिए थे ब्यूटी कॉलेज के पैलेट के साथ, ये फ्री आया था, ये आया था और एक काजल आया था एड्स की जो काफ़ी अच्छा काजल है, तो उसे हम अभी नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि वो वाला वीडियो देखना है तो मेरा यूट्यूब पे देख लेना, तो उसके बाद मैं इसे अनबॉक्सिंग करती हूँ एंड वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा उतना सारा बकबक करते लगूंगी तो। एंड उसके बाद आती है ये हुदा ब्यूटी की न्यूट की पैलेट, इसे मैं यूज़ नहीं किया, एक बार ही यूज़ की हूँ एंड इसके ऊपर जो ये दिया था ये भी हमने रख दिया, ऑब्वियसली ये ओरिजिनल नहीं है लेकिन इसके ऊपर जो कलर है ये सब भी कलर काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसका जो पिगमेंटेशन है ना, इसका भी पिगमेंटेशन काफ़ी अच्छा है, आप लोगों को दिखा देती हूँ, इसका जो ये पर्पल सा कलर है ना काफ़ी अच्छा लगा मुझे, क्योंकि आप देखोगे ना सच में पर्पल कलर की, देखो इसका सिमरी कुछ अलग से ही है ना, इसका सिमरनेस कुछ अलग से ही है ना। एंड इसका जो ग्लिटरी शेड है, ग्लिटरी मुझे उतना अच्छा नहीं लगा लेकिन इसका सिमरी शेड काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। एंड गाइस इसके बाद आती है ये मैट सा कलर, मैट भी काफ़ी अच्छा है, तो गाइस आप देखो मैट भी एक बारी में कितना रेड, देखा कितना रेडेस लग गया एक बारी में, तो गाइस ये वाला भी जो आई शैडो पैलेट है काफ़ी अच्छा लगा मुझे क्योंकि ठीक ठाक ही लगा है, 600 रुपये में उसके साथ मिल रहा था तो फ्री में मिल गया तो अच्छी बात है, तो ये वाला आई शैडो पैलेट। सो गाइस इसका भी हमने बोल दिया, इस वाला आई शैडो पैलेट का भी किया है, अगर आप लेना चाहते हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूँगी। एंड गाइस मैं और एक आप लोगों के साथ मतलब आई शैडो ग्लिटरी आई शैडो शेयर करना भूल गई हूँ, जो मैंने मार्केट से लिया था जब मैं पार्लर स्टार्टिंग की थी, तो उसके बाद हमने लिया था ये वाला ग्लिटरी जो काफ़ी से भी ज़्यादा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसका जो ग्लिटरी है अजीब तरीके का ग्लिटरी है, आप लोगों के साथ दिखाती हूँ, ऐसा एक ग्लिटरी लिया ठीक है एंड कहाँ पे यहाँ पे लगा रही हूँ, मतलब ग्लिटरी नहीं दिख रहा है, एक मतलब क्या होता है जेल टाइप की फॉर्म की होती है ना, जेल टाइप की चिपक जाती है, मतलब आई शैडो के ऊपर आप अप्लाई करोगे तो उठ जाता है, लेकिन मुझे पता नहीं है ऑनलाइन में कितना अच्छा आता है कितना बुरा, लेकिन मैंने मार्केट से लिया था तो एकदम ही मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा एंड मैंने यूज़ भी नहीं किया, तो गाइस देख सकते हो आप ऐसे पूरा भरा हुआ लगता है लेकिन इसमें ग्लिटरी काम का नहीं है, तो इससे ज़्यादा अच्छा है ब्यूटी कॉलेज के पैलेट में। तो गाइस यही था आज का वीडियो, सो गाइस उसके बाद मैं कभी आई शैडो पैलेट खरीदती हूँ तो ऑब्वियसली खरीदूँगी, जब मैं खरीदूँगी एंड उसके साथ आपका अनबॉक्सिंग भी शेयर करूँगी एंड उसका रिव्यू भी दूँगी। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया है, मेरा आई शैडो कलेक्शन का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, टाटा।